इस वक्त हम जम्मू के ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आप ये बोर्ड साफ तौर पर देख रहे हैं जहां पर जेडीए ने इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, यानी कि जेडीए ने अपनी तरफ से पलड़ा झाड़ दिया है। और अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो ये बिल्डिंग जो है काफी खस्ता हालत है इस बिल्डिंग की, और लगभग यहाँ पर दुकानदार यानी कि जो दुकानें हैं लगभग आपको बताने चले कि 150 से ऊपर दुकानें हैं, यानी कि करीबन आप रख सकते हैं कि 170 के करीब यहाँ पर दुकानें हैं। तो आखिरकार उन दुकानदारों का क्या, और जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग जो है काफी खस्ता हालत है और जेडीए की तरफ से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है कि ये बिल्डिंग जो है वो असुरक्षित है और अपना पलड़ा जो है वो झाड़ दिया है। लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर काम करते हैं, जो अपना व्यवसाय यहाँ पर करते हैं, उन दुकानदारों से बात करेंगे कि आखिरकार इस बिल्डिंग को रेनोवेट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है, क्योंकि जेडीए की तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है, असुरक्षित घोषित कर दिया गया। और अगर बिल्डिंग में सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की क्या कुछ हालत है। आप ये देख सकते हैं बिल्डिंग पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है, जहां पर बिल्डिंग जो है यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर जरूरत की मैं बात करूँ तो रेनोवेशन की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि अगर बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाता है तो बिल्डिंग जो है वो दोबारा खड़ी हो जाएगी और जो यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, दुकानदार जो है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कि क्या कुछ इस बिल्डिंग की हालत है, यानी कि बिल्डिंग को पूरी तरीके से रेनोवेशन की ज़रूरत है। बिल्डिंग रेनोवेट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को काफ़ी फायदा जो है यहाँ पर मिलेगा, जो प्रॉपर तरीके से अपना व्यवसाय अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेकिन जेडीए की तरफ से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है और असुरक्षित इसे घोषित कर दिया गया, यानी कि अपना पलड़ा जो है वो जेडीए ने झाड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी हलचल जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि पहले अगर बात करें तो पहले काफी यहाँ पर लोग आते थे, क्योंकि जो बसेज है यहाँ पर लगती थी और पैसेंजर जो है यहाँ पर आते थे। आज भी आप देख सकते हैं काफी हलचल जो है यहाँ पर, लोगों का आना जाना जो है वो रहता है और यहाँ पर सीटिंग एरिया भी बनाया गया है जहाँ पर लोग जो है वो बैठते हैं। हालांकि पहले के मुकाबले जो है वो कम संख्या आप देखने को मिलती है, क्योंकि न्यू बस स्टैंड जो है वो बन चुका है। और ये बिल्डिंग आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत जो है इस बिल्डिंग की है। कहा जाए कि जिस तरीके से ऑर्डर जो है वो नहीं निकाला जाता है कि इस बिल्डिंग को जो है वो रेनोवेट किया जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग की इस प्रकार खस्ता हालत है कि कभी भी ये बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है। आपके दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, वो किस प्रकार से इसको लेते हैं, क्या वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की जिस तरीके से ये खस्ता हालत है तो कभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी ये बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है। जेडीए ने बोर्ड तो लगा दिया है लेकिन दुकानदारों का आखिरकार क्या, दुकानदारों से बातचीत करते हैं। जेडीए की तरफ से इस बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किया गया है, जब आप क्या कहेंगे? मेरी बात, जब हाई ही नहीं है तो सुरक्षित, तो कैसे सुरक्षित घोषित किया गया? इन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से घोषित किया हुआ है। अब वो चलानी है, बीच में से देखो रास्ता बंद किया हुआ है इन्होंने, जब रास्ता खुले दोनों बिल्डिंगें चल पड़ती हैं। लेकिन आप बोलोगे 250 फैमिली को बर्बाद करके बिल्डिंग को अनघोषित किया जाए, किसी से राय ली, किसी से पूछा, किसी को कुछ दिया इन्होंने, किसी को एडजस्ट किया, किसी को नहीं किया, अपनी मर्जी से। बिल्डिंग की काफी खस्ता हालत, तो पैसा चाहिए ना 3-4 करोड़ रुपया। अब एक आदमी यानी कि रेनोवेशन जरूरी, रेनोवेशन रोज चाहिए। अब मैं रोज नहाऊंगा तो मुझे कोई बीमारी नहीं लगेगी, मैं 4 साल से नहाया ही नहीं हूँ तो मुझे तो बीमारी लगेगी ना। अब इसको 3-4 साल से इन्होंने किए कुछ नहीं, कोई पेंट नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जाके कोठा देखो आप जी। बिल्डिंग बताते हैं सारी कंडम गंदी गंदी की हुई है, तो एक्चुअली लीकेज तो होगी। अब घर पे पेंट नहीं मारेंगे हम तो घर भी खराब हो जाएगा, तो रेनोवेशन क्यों नहीं करवाई जा रही है? उस बिल्डिंग को चलाना है जी, उस बिल्डिंग को चलाना, वो चल नहीं सकती। कौन सी बिल्डिंग? जो न्यू बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड देखेगा, पूरा रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ। जो रास्ता खोले, ये भी बिल्डिंग चल पड़ती है, वो भी चल पड़ती है जी। आज भी बिल्डिंग 30 साल खड़ी रहेगी, जो कोई हवा में खड़ी खड़ी है जी। इन्होंने कहा है ये चाहते हैं 100 करोड़ में। अब म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग देखो, 3 करोड़ में फिर बिल्डिंग वो खड़ी हो गई, इसमें भी 3-4 करोड़ रुपये लगे। आज ही रेनोवेशन के ये ही बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, इसमें कोई नुक्स नहीं है। अब जेडीए की मर्जी है ना, जेडीए चाहता है ये तोड़ के तो वो चले, वो नहीं चल सकती। पहले ये 250 फैमिली एडजस्ट करे, फिर उसके बाद ये बिल्डिंग चलेगी। क्या ऐसा उनकी तरफ से कहा जाता है कि आपको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाएगा? कुछ नहीं, वो जो देंगे वो वहाँ पे जाएगा कौन? जो पहले दुकानदार है वो नहीं एडजस्ट हुए तो अब ये कहाँ जाएंगे? वहाँ पर कितनी कैपेसिटी है कि जितने भी यहाँ दुकानें बहुत हैं लेकिन अनफिट दुकानें हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चलाना किसने है वहाँ पे? अंदर जाओ अंधेरा हो जाएगा, बच्चे डर जाएंगे, दुकानदार तो बड़ी बात है, बच्चे डर जाएंगे। अब वो तो जेडीए को सोचना चाहिए ना, इस बिल्डिंग को कैसे रेनोवेशन करवाना है। अब जेडीए करवाएगा, जेडीए का बीसी पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ तो है नहीं, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो आके देखे
अपने आप उसको पता लग जाएगा बिल्डिंग चलती है या नहीं चलती है। मैम 3 करोड़ रुपये लग जाए ना ये बिल्डिंग फिर 50 साल खड़ी हो जाती है, लेकिन जेडीए चाहता नहीं है। बस चाहता क्यों नहीं? वो कहता है ये इस फैमिली को उठा के वहाँ फेंको, और वहाँ पे जो पहले फैमिली गई है वो आज तक दुकानें नहीं खुली। जाके देखो आप नज़र मारो, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, खाली 8 दुकानें खुली हैं वहाँ, वो भी बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। जेडीए को किराया चाहिए, वो भी देना है। अब देखो जेडीए क्या करता है। लेकिन ये बिल्डिंग अनफिट नहीं है, फिट है, चाहे मुझसे लिख के ले लो। जेडीए की मर्जी नहीं चल रही, जेडीए के ऊपर से प्रेशर आ रहा है ये अनफिट करो बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग है तो सुरक्षित असुरक्षित घोषित तो किया है, मगर ये इतनी बिल्डिंग असुरक्षित नहीं है, बहुत मजबूत बिल्डिंग है। म्यूनसिपैलिटी भी असुरक्षित घोषित किया था, अनसेफ डिक्लेयर किया था, बट उन्होंने रेनोवेट किया, वो बहुत अच्छी बन गई, आप देखने में बहुत सुंदर लग रही है। जहाँ भी ऐसा हो जाता तो क्या लगता है कि कब जेडीए की तरफ से यहाँ पर भी ये कहा जाएगा कि इसे रेनोवेट करेगा? क्या लगता है कि रेनोवेट किया जाएगा आने वाले समय में? अभी तक तो लगता नहीं है मेरे को, जहाँ पे रेनोवेट होगा यही बोल रहे हैं इसको नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। जब तक नहीं बनती है ये नई बिल्डिंग, तब तक यहाँ पे इसको थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, जहाँ पे गंद पड़ा है और भी सही ढंग से पानी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, उसके बाद बैठने की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं है, तो वो ठीक होनी चाहिए। क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा भी चलने लगी है, चलेगी, तो जहाँ पे यात्री लोग भी आएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे। इस तरीके से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, तो क्या लगता है आपको जब यात्री अगर यहाँ पर आते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपने गंद का जिक्र किया है, पानी का जिक्र किया है, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, स्मार्ट सिटी में गंद दिखना नहीं चाहिए, और लोगों में क्या यात्रियों के क्या प्रभाव पड़ेगा? यही स्मार्ट सिटी होती है, बाहर के जो आएंगे तो ऐसा लगेगा बदबू फैल रही है, गंद पड़ा है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या ये स्मार्ट सिटी के हिस्से हैं क्या? पानी को लेकर कितनी दिक्कत आपको देखने? पानी के लिए एक्चुअली जहाँ पे शुक्र करो यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, वो चलता रहता है, उसी से बस स्टैंड के दुकानदार या टूरिस्ट जो आता है वो उससे गुजारा कर लेता है। मगर यहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, फ्रिज जहाँ पे खाली एक है उसके ऊपर बहुत लोड होता है, वो भी बीच में ख़राब हो जाता है, तो कम से कम 3-4 फ्रिज हो जिससे कि लोगों को ठंडा पानी मिले, पीने की व्यवस्था सही ढंग से हो, तो जिससे कि यात्री भी, अब आगे गर्मी बहुत बढ़ने वाली है तो इससे पानी प्यास तो लोगों को लगती ही है। यहाँ के दुकानदारों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से जेडीए ने इसे असुरक्षित बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किया तो है, लेकिन ये बिल्डिंग असुरक्षित नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से सेफ है और उसे अगर जरूरत है तो वो रेनोवेशन की जरूरत है, लेकिन जेडीए की तरफ से अभी तक ये कार्य नहीं किया गया है, यानी कि रेनोवेशन नहीं की गई है। अगर यहाँ के आसपास के एरिया की बात करें, जिस तरीके से गंदगी जो है यहाँ पर जरूर नजर आएगी, और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, यात्री यहाँ पर आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। गंदगी की बात करें तो आपको गंदगी जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पर साफ तौर पर दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो साफ सफाई की जाए, और साफ तौर पर अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग को लेकर दुकानदारों का ये कहना है कि जेडीए ने एक बोर्ड तो लगा दिया है, यानी कि असुरक्षित का बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन रेनोवेशन नहीं किया जा रहा है। और आखिरकार रेनोवेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? और दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि अगर बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाता है तो बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से सेफ है और पूरी तरीके से खड़ी हो जाएगी, यानी कि जो खस्ता हालत है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। आपके क्या कुछ विचार है? आप इसको किस तरीके से लेते हैं? आपको क्या लगता है कि जेडीए आखिरकार क्यों नहीं रेनोवेट कर रहा है? कारण क्या कुछ लगता है आपको? अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।